अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्विक फूड प्लानट। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मैक्रोनी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इस रेसिपी से आप ये चिकन मैक्रोनी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस रेसिपी को फॉलो करने के लिए आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। या आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप अपनी इफ्तारी में भी बना सकते हैं, इसको आप अपनी ईद की पार्टी में भी बना सकते हैं। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन मैक्रोनी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए चिकन, प्याज, शिमला मिर्च, गाजरें, मैक्रोनी, रेड चिली सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, सिरका, अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए पानी मैंने ऊपर रख दिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूंगी ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक, इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनी। मैक्रोनी ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह हिला लेना है ताकि वो जुड़े ना, और इसको आपने मैक्सिमम 12 मिनट्स के लिए बॉईल करना है। 12 मिनट्स बिल्कुल परफेक्ट टाइम है किसी भी मैक्रोनी को बॉईल होने के लिए। फुल तेज़ आंच पे आपने इसको बॉईल करना है, और आपने इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। ये बिल्कुल भी नरम नरम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नरम होगी तो ये टूट जाएगी। मैक्रोनी यहाँ पे मेरी बिल्कुल बॉईल हो चुकी है, ये देखें, और ये बिल्कुल टूटी नहीं है, बिल्कुल सही है। इसको सिर्फ 12 मिनट्स मैंने बॉईल किया है। अब मैं इसको छान लूँगी। जब आप इसको फिल्टर कर लें तो इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें अच्छी तरह, ताकि ये जुड़े ना। ठंडा पानी डालने के बाद आप इसमें बिल्कुल 1 टेबलस्पून जो है ऑयल वो स्प्रेड कर दें। इससे भी ये आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल भी जुड़ेगी नहीं आपस में। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। सबसे पहले इसमें आपने ऐड करना है ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसमें ऐड करेंगे प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने सिर्फ हल्का सा करना है, इसका कलर चेंज नहीं आपने करना, बिल्कुल इसको हल्का सा भूनना है। हल्का सा मैंने इसको भून दिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन मेरा यहाँ पे भून चुके हैं। इसमें मैं ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च, प्याज, सिरका, सोया सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, हॉट सॉस। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गाजरें मैंने हल्की सी बॉईल कर ली थी, इसीलिए वो मैंने अभी ऐड नहीं की। इनको थोड़ा सा सौते करके फिर मैं गाजरें ऐड करूंगी। हल्का सा आपने इसको सॉफ्ट करना है। अब मैं इसमें गाजरें ऐड कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले इसके लिए चाहिए हमें कॉर्नफ्लोर, नमक, रेड चिली पाउडर, ऑल पर्पस फ्लावर, अंडा, दही। सबसे पहले ऐड कर देंगे नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडा, कॉर्नफ्लोर, मैदा, रेड चिली पाउडर, दही ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको कम से कम ओवरनाइट मैरिनेट करके रखें, तो आपका चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही जूसी बनेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मिनिमम इसको 1 आवर या 30 मिनट्स मैरिनेट करके ज़रूर रखिएगा। चलें जी, फिर मैं इसमें फ्राई करके ऐड करूंगी। इस तरह आप इसको चिकन को ऐड करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका मैक्रोनी में जो चिकन है वो किस कदर सॉफ्ट रहेगा, वरना चिकन जो है वो हार्ड हो जाता है।
और यहाँ मेरा बहुत अच्छा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिक्स मिनट्स आपने इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। आप इसको थोड़ा सा भी और फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। सिक्स मिनट हो गए हैं, चिकन मेरा यहाँ पे बिल्कुल फ्राई हो चुका है, ये देखेंगे बिल्कुल पक चुका है। मैं इसको निकाल लूँगी, देखें ये बहुत ही अच्छा फ्राई हुआ है। इसको आप ये देखिए, ये फुल जूसी है। चलें जी इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। मैक्रोनी ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लोएस्ट फ्लेम पे ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, आपने भी सब कुछ लोएस्ट फ्लेम पे करना है। अब इसमें मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लूंगी। लीजिए चिकन मैक्रोनी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखें, और ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है। और इसकी लुक चेक करें आप, ये कितने मज़े की लग रही है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप मिक्स करके इसको 5 मिनट्स के लिए सिर्फ पकाएंगे लो फ्लेम पे, और फिर ये रेडी हो जाएगा। जी चिकन मैक्रोनी यहाँ पे मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये देखेंगे कितने मज़े की बनी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह।